नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन चाहे कितनी भी छल्ला आगे लगा रहा हो, बेशक वह ग्लोबल टाइम्स के भरोसे खुद को 30 मार खा दिखाने में जुटा हो, मगर इस वक्त वह बुरी तरह फंस चुका है। यह चीन की हड़बड़ाहट से ज्यादा उसकी घबराहटी है, जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश में उसने ग्लोबल टाइम्स को प्रोपेगेंडा टाइम्स बना दिया है। पर यह सब नौटंकी चीन की हरकतों को बकस देगी, यह अब नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम ने मिलकर उस पर चारों तरफ से शिकंजा कस दिया है। कल भारत चीन के बीच हुई सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बेनतीजा रही है। अब स्थिति है कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है, यानी विशेषज्ञों की माने तो जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रणभेरी बजने में अब ज्यादा देर बाकी नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। चीन निरंतर अपने रक्षा साजा सामान को एलएसी की तरफ स्थानांतरित कर रहा है। यह केवल भारत पर दबाव बनाने का प्रोपेगेंडा मात्र नहीं है, बल्कि चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन को आभास हो चुका है कि भारत एलएसी पर जिस तरह आक्रामक नीति अख्तियार कर चुका है, उससे जंग होना करीब करीब तय है। चीन ने नो मैन्स लैंड में कब्जाई जमीन से पीछे लौटने से साफ मना कर दिया है। चीन तेजी के साथ वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा है। ऐसे में भारत अभी समस्या को ज्यादा देर पालने और टालने के मूड में नहीं है। पर चीन केवल एलएसी पर ही जंग की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि साउथ चाइना सी में गिरने के बाद वह बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। वह इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह एक साथ इतने मुल्कों का अकेला कैसे मुकाबला कर पाएगा। दुनिया के चार शक्तिशाली देश एक मुट्ठी बनकर उसकी बर्बादी की बात लिखने के लिए तैयार हैं। चीन की बदनीयत की वजह से ताइवान, जापान और इंडोनेशिया भारत और अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी तक, फिलीपींस से लेकर हिंद महासागर तक जिनपिंग की तबाही का ब्लूप्रिंट मोदी ने तैयार कर लिया है। इस बार चीन इतनी बुरी तरह से घिरा है कि अगर उसने एक गलती की और भूल से एलएसी पर पटाखा भी फोड़ दिया तो नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा, यानी अब चीन की हरिमाकत का हिसाब होने वाला है। चीन के लिए वही एलएसी उसके गले की हड्डी बन गई है, जहां से लौटना या वहां पर जमे रहना दोनों ही हालत में उसे काल नजर आने लगा है। वह पीछे लौटता है तो दुनिया में उसके महाशक्ति होने के ढोल बेसुरे हो जाएंगे, और अगर वह नहीं लौटा तो तब परिणाम कहीं ज्यादा भयावह होने वाले हैं। जापान से लेकर ताइवान, इंडोनेशिया से लेकर इंडिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कोई चीन का काल बनकर उसके चारों तरफ जम चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की बर्बादी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि ये सारे नाम ही चीन के अंत का सबब बनेंगे। इन सभी देशों ने चीन की घेराबंदी मजबूत कर दी है। उधर अमरीका ने 11 देशों की सेनाओं के साथ दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। भारत के वॉरशिप पहले से ही दक्षिणी चीन सागर में खड़े हैं। इसके साथ ही परसों से दिल्ली में नेवी कमांडर्स के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही है, जो लगातार 3 दिनों तक चलने वाली है। इस मीटिंग से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना मलक्का स्टेट को लॉक करने की तरफ कदम बढ़ा सकती है। मलक्का स्टेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की वही संकरी खाड़ी है, जहां से चीन का व्यापार होता है। 3 किलोमीटर चौड़ी इस खाड़ी को लॉक करना भारत के लिए बेहद आसान है। मलक्का स्टेट में आवाजाही बंद होते ही खाड़ी देशों से चीन जाने वाले तेल की आपूर्ति ठप हो जाएगी, जिससे एक ही झटके में चीन घुटनों के बल आकर गिर पड़ेगा। अब इससे पहले आगे बढ़े इस मैप को देखना जरूरी है, जहां चीन बुरी तरह से फंसा हुआ है। चीन के सबसे करीबी देश नीले समुद्र में उसके सिर पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। चीन के सबसे करीबी देश जापान का सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन के साथ विवाद काफी पुराना है। चीन जापान के इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जापान इसके लिए पहले से ही तैयार है। जापान ने चीन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। जापान ने अपने F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये वही लड़ाकू विमान है जो अमेरिका ने जापान को दिए हैं। अगर चीन ने जापान से पंगा लिया तो जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के मुताबिक चीन को मिनटों में तबाह करने का मादा रखने वाले अमेरिकी जेट बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। केवल इतना ही नहीं, फिलीपींस सी के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट रोनाल्ड रिगन भी गश्त कर रहा है, जो एक इशारा मिलते ही चीन की नेवी को समुद्र में दफन कर सकता है। रोनाल्ड रिगन से कुछ ही दूरी पर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट कई युद्धपोतों के साथ गश्त कर रहा है और चीन के समुद्री रास्ते पर काल बनकर बैठा हुआ है। पर मामला यहां तक सीमित नहीं है। चीन की हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका ने इंडोनेशिया को भी अपने मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है। अमेरिका ने अपने मित्र देशों को समर्थन दिखाने के लिए अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को साउथ चाइना सी में उतार दिया है। निमित्ज पर 90 फाइटर जेट और 3,000 सैनिक मौजूद हैं।
निमित्त में चीन का रास्ता पूरी तरह से लोक कर दिया है। मजे की बात यह है कि जान निमित्त गश्त कर रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास में लगी है। इससे पहले इंडियन आर्मी निमित्त और यूएस नेवी के साथ युद्ध अभ्यास कर चुकी है, जबकि ताइवान की सेना पहले ही चीन को मजा चखाने की तैयारी कर रही है। यानी भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी बात यह है कि भारत ने उसे जमीन और समुद्र दोनों जगह से मात देने की तैयारी कर रखी है। भारत वायुसेना के बारे में यह खुलासा हो चुका है कि चीनी वायुसेना उसके सामने कहीं नहीं ठहरती है। मतलब अब चाहे चीन कुछ भी कर ले, उसके बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। उसने एक गलती की तो उसकी बर्बादी के काउंटडाउन की घंटी बज जाएगी। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन जहां बातचीत के बहाने एलएसी पर साजो सामान इकट्ठा करने में लगा था, वहीं मोदी सरकार उससे दो कदम आगे चल रही थी। मोदी ने न केवल उसे आर्थिक मोर्चे पर परास्त करने के लिए डिजिटल स्ट्राइक की, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से दुनिया के शक्तिशाली देशों को भारत के समर्थन में खड़ा कर दिया। इसके मुकाबले चीन, नेपाल, पाकिस्तान और ईरान के चक्कर लगाता रहा। जिन देशों को चीन अपने समर्थन में लाया, खुद चीन ही उन्हें उधार में अगीज देता है। ऐसे में उनके होने या ना होने की चीन के लिए कोई अहमियत नहीं है। अगर भारत के साथ चीन की जंग हुई तो पाकिस्तान की मदरसा सेना पहले दिन ही मैदान छोड़कर भाग खड़ी होगी। जो देश खुद को भारत से पिटने से नहीं बचा पाया, भला वह चीन को कैसे बचा पाएगा? फिर जिस भारत के साथ अमेरिका जैसा देश खड़ा हो, वहां पाकिस्तान अपने तैमन बचाने पर ही ध्यान देगा। वैसे भी जंग का ऐलान होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यह बिल्कुल कभी भी बच सकता है। इसकी शुरुआत के कई पॉइंट पहले ही तैयार हो चुके हैं, इसलिए जंग तो हर हाल में होना तय है। बेशक वह ताइवान या जापान से शुरू हो या फिर दक्षिणी चीन सागर और एलएसी से बारूद फूके, मगर हर स्थिति में मार चीन को ही पड़ने वाली है। चीन की दिक्कत यह है कि जिनपिंग की बुद्धिहीनता की वजह से वह कुएं और खाई के बीच फंस चुका है, इसलिए चाहकर भी चीन युद्ध को नहीं टाल सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।